हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो भाई जल्दी से आ जाओ। मैं आज 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ, 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ, ठीक है। तो 2022 में अलग अलग सेट करके क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं कि अगर एक सेट में है तो सभी बच्चों को वही मिले होंगे। सेट 5 तक बनता है, तो सेट 1 से जितने भी क्वेश्चन होंगे वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो टोटल सेट 1 में 4 नंबर का क्वेश्चन आए हैं। सेट 1 में भी सबसेट होते हैं, सेट 1 का ही सबसेट 1, सबसेट 2, सबसेट 3। तो सेट 1 में जितने भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है 4 नंबर का, तो मे भी हो सकता है कि इसके सबसेट में वही क्वेश्चन हो जाए या फिर एक दो चेंज हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है। और अगर आपके माइंड में कुछ डाउट हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा आपको। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है कि पैरेललोग्राम PQRS PQ वेक्टर एंड PS वेक्टर दिया हुआ है, तो आपको ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सिंपल, अगर नहीं समझ में आया तो पहले फिगर बनाइए, ये अगर फिगर में बोल क्या रहा है। तो एक पैरेललोग्राम है, सपोज मैं बना लिया और इसको नेमिंग दे देता हूँ PQRS। PQ वेक्टर दिया हुआ है, तो सपोज मैं एक कोई डायरेक्शन लेते हैं, इधर से डायरेक्शन लीजिए या इधर का डायरेक्शन लीजिए, कोई भी लीजिए आपका आंसर आएगा ही आएगा। PS वेक्टर ये दिया हुआ है, तो PQ वेक्टर गिवन है, PS वेक्टर निकालना क्या है, PR वेक्टर, मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस वेक्टर। एरो दिया हुआ है, तो यानी कि टर्मिनेटेड पॉइंट कहाँ होगा, ये R पे होंगे। तो अब PS वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखिए, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं ना, अपोजिट साइड इक्वल है, पैरेलल भी है, तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं PS वेक्टर इक्वल टू, इसको भी एरो दे दीजिए ऊपर की ओर, QR वेक्टर। तो PS वेक्टर क्या है, ये जो है वही QR वेक्टर हो जाएंगे, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू QR वेक्टर। अब ये जो क्वेश्चन है ना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहते हैं ना 10 क्वेश्चन, उसी में का एक क्वेश्चन है। QR वेक्टर निकल के आ गया, तो अब आएंगे इन ट्रायंगल PQR में, ट्रायंगल लगा दीजिए, PQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर इक्वल टू PR वेक्टर बाय ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ठीक है, लिख लीजिएगा। तो इसे निकालना क्या, PR वेक्टर तो ऑलरेडी दिया हुआ, PQ वेक्टर ये, QR वेक्टर ये, तो PR PQ वेक्टर क्या है, ये है, ऐड कर दीजिए, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस QR वेक्टर, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू PR वेक्टर। तो 3 और 3 6i कैप, माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4j कैप, 2 और 2 4k कैप इक्वल टू PR वेक्टर। निकालना क्या था, मैग्नीट्यूड, तो PR वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सभी का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अगेन 4 का स्क्वायर 16, इसको सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा 68 का अंडर रूट निकल के आ गया PR वेक्टर। नाउ QS वेक्टर, QS ये वाला आप निकालते हैं, ये वेक्टर, तो अब आएंगे इन ट्रायंगल PQS फिर से ट्रायंगल लगाते हैं, PQ वेक्टर QS वेक्टर इक्वल टू PS वेक्टर, PQ वेक्टर प्लस QS वेक्टर इक्वल टू PS वेक्टर। तो आई होप आपको ये सारा इंट्रोडक्शन पार्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ट्रायंगल ऑफ एडिशन है सारा, बाय ट्रायंगल ऑफ एडिशन निकालना है QS वेक्टर, तो इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, QS वेक्टर इक्वल टू PS वेक्टर माइनस PQ वेक्टर। PS वेक्टर क्या है, दिया हुआ है ये, ठीक है, तो माइनस i कैप माइनस 2k कैप, बस यही दो है, मेरे से माइनस करना है PQ वेक्टर, PQ वेक्टर ये है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप,
सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस, तो माइनस फोर आई कैप माइनस और ये प्लस जीरो, जे तो है ही नहीं इसमें, आई है के है तो जे तो है ही नहीं, तो माइनस टू जे प्लस हो जाएंगे, माइनस टू के और माइनस टू के माइनस फोर के कैप, तो क्यू एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अब निकल के आ जाएंगे, माइनस फोर का स्क्वायर 16, फोर 16 बत्तीस छः, बत्तीस और चार 36, कितना आ जाएगा, ठीक है क्लियर ना, नोट कर लीजिए।